हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टे हेल्दी में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक नया वीडियो, जिसमें कि अब मैं आपको बताऊंगा घनी दाढ़ी व मूछ उगाने के आसान घरेलू उपाय। दोस्तों, ये जानकारी जानने से पहले, अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल स्टे हेल्दी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों इसे जल्दी से जल्दी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे क्या होगा कि मेरे आने वाले और भी वीडियोस व अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, जानते हैं कि घनी दाढ़ी व मूछ उगाने के आसान घरेलू उपाय क्या हैं। वैसे बिना दाढ़ी व मूछ वाले चिकने व सपाट चेहरे में भी आकर्षण होता है, लेकिन कुछ पुरुषों को दाढ़ी व मूछें रखने से लगाव होता है। ऐतिहासिक रूप से दाढ़ी व मूछों को शक्ति का प्रतीक माना गया है और आज के समय में दाढ़ी व मूछें रखने का ट्रेंड बहुत ज़्यादा चल रहा है। अधिक से अधिक संख्या में पुरुष बड़ी घनी दाढ़ी व मूछें रखते हैं, लेकिन कुछ लोगों को दाढ़ी व मूछें जल्दी नहीं बढ़ती हैं। हार्मोन्स इम्बैलेंस भी कई बार दाढ़ी व मूछों के कम बाल होने की वजह हो सकता है। तो दोस्तों, मेरे पास कुछ घरेलू टिप्स हैं दाढ़ी व मूछों को उगाने के, तो मैं आपको वो बताता हूँ। दोस्तों, पहला है आंवले का तेल। दाढ़ी व मूछ बढ़ाने के लिए आंवले का तेल सबसे उत्तम है। आंवले के तेल से रोज़ाना अपने चेहरे की दाढ़ी व मूछ वाले हिस्से पर 15 से 20 मिनट तक मसाज करने से आप घनी दाढ़ी व मूछें पा सकते हैं। दोस्तों, फिर है दालचीनी के पाउडर में नींबू। दालचीनी के पाउडर में नींबू का रस मिलाकर पेस्ट तैयार कर लें व इस पेस्ट को रोज़ाना 15 से 20 मिनट के लिए दाढ़ी वाले क्षेत्र पर लगाकर छोड़ दें और इसे ठंडे पानी से धोकर सूती कपड़े से पोंछ लें, तो ऐसा करने से भी घनी दाढ़ी व मूछें आप पा सकते हैं। दोस्तों, फिर आता है नारियल का तेल। कड़ी पत्ता को नारियल के तेल में डालकर उबाल लें। जब यह ठंडा हो जाए, अपनी दाढ़ी व मूछों की जगह पर इससे मालिश करें। ऐसा करने से भी घनी दाढ़ी व मूछें आसानी से आप पा सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा हमें कुछ सावधानी भी बरतनी चाहिए। जब युवाओं में शारीरिक बदलाव आ रहे हों तो इन्हें इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि कैसे क्या शेव करना है। अगर शुरुआत में ध्यान दिया जाए तो इस समस्या को दूर किया जा सकता है। कुछ विटामिन्स लें। अपने आहार व ब्यूटी प्रोडक्ट्स में विटामिन डी को शामिल करें, साथ ही रोज़ाना बायोटीन का सेवन करें। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे यूट्यूब चैनल स्टे हेल्दी को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।